लाइफ में बड़ा गेम खेलने का रहेगा ना तो दिमाग में कीड़ा मंगता है। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। रावलसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करें। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। यह शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान, और यही अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। हमारे बच्चे क्यों जाएंगे वहां लाठी और गोली खाने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों जाए? क्यों प्रभाकर आनंद ने गरीबों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाई और अपनी जिंदगी बर्बाद की? क्यों वो एक तबेले में रह के दिन रात एक करके उन बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तबेला नहीं है, वो एक रास्ता है इनको और इनके जैसे बच्चों को आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके, समाज में अपना सर उठा कर जिए। दोस्तों, आज उस तबेले को तुम्हारी जरूरत है, प्रभाकर सर को तुम्हारी जरूरत है। क्या है फैसला तुम्हारा? फैसला हो चुका है मैडम, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। चलो भाइयों। पनी, मैं सिंपल लड़की हूँ और सिंपल जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम गलत नहीं हो, बस मुझसे बहुत अलग हो। छोड़ो मुझे प्लीज। नहीं छोड़ सकता। तो फिर मत जाओ पेरिस, मत लो ये जॉब जिसके लिए तुम सालों से मर रहे थे, मत करो ट्रैवल, क्योंकि मैं नहीं चल सकती ना तुम्हारे साथ। मॉम, डैड, क्लिनिक, सब यहां है ना, क्या करें? अच्छा चलो, तुम्हें साल में दो बार मुझसे मिलने आना पड़ेगा, और वहां पेरिस में कोई चक्कर वक्कर नहीं चाहिए, और फिर कुछ साल बाद तुम यहां सेटल हो जाना। नैना, मैं जानती हूं पानी, समझती हूं मैं तुम्हें, पता है तुम्हारे सपने क्या है, कि तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, इसलिए हमें इसे एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। और ये अपने वाड़ी की करीना कपूर। हाँ, है मैं करीना कपूर। चल अभी कमती हो जाए इधर से, नंदू इसको बोल के रख। ए डांस बार, ये तो क्या करेगी रे? ऐसी जगह पे लात दूंगी कि अखा जिंदगी पकड़ के बैठा रहेगा। येड़ा समझा मेरे को, दिमाग खिसका है मेरा, तेरे साथ डांस करूं? जो दिमाग से खिसकेला रहता है ना, वो इस लाइफ में ऊपर जाता है। और शाने लोग वाड़ी में बैठ के ना कैरम खेलते हैं। इनका शानपट्टी सिर्फ लड़कियां कटाने के या चमचागिरी करने के काम आता है। ये डीजल तेरा चमचा और तू उस उस्मान भाई का। तुम लोग ना बाकी कुछ करने का गिरागिरी मत करना। और वैसे कीड़े का फंडा तू ही दे रहा था ना वन शॉट नंदू, कि लाइफ में बड़ा गेम खेलने का रहेगा ना तो दिमाग में कीड़ा मंगता है। मेरे दिमाग में येड़ा बने का कीड़ा है। अब सवाल ये है कि
कि तेरे को क्या बनना है, शाना या येड़ा।